सो ही गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल वेस्ट ऑफ होम्योपैथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक होम्योपैथिक मेडिसिन नाइट्रिकम एसिटम के बारे में, जिसको हम कॉमनली नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और बेसिकली मैं नाइट्रिक एसिड के स्किन के बारे में बात करूँगी, उसकी मोडालिटीज, रिलेशनशिप एंड उसके कुछ बेसिक को हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाइट्रिक एसिड को हम कहते हैं HNO3। इट इज़ प्रूव्ड बाय द हैनमन द इसको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ जूम, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो द टेम्परामेंट ऑफ द नाइट्रिक एसिड इज अ नर्वस एंड इरिटेबल, थर्मल इज चिली, मियाज्म इज सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस, डायथेसिस इज द हेमरेजिक। सो दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा रेड से कवर किया है। कैसा है ये? इसका डायथेसिस हेमरेजिक है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स जो भी हम देखेंगे स्किन में, उसमें ब्लीडिंग भी हमें देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द स्किन सिम्टम्स। वॉट्स, वॉट्स कैसे होते हैं? लार्ज एंड जैक्ड। वैसे तो वॉट्स का नाम सुनते ही हमें थूजा बहुत अच्छे से याद आती है, बट अगर वो वॉट्स ब्लीड कर रहे हैं ऑन वॉशिंग और लार्ज हैं, जैक्ड है, एट दैट टाइम वी कैन थिंक अबाउट अ नाइट्रिक एसिड। अल्सर्स विच ब्लीड ईजली एंड द सेंसिटिव, स्प्लिंटर लाइक पेन्स, जिग जैक, इरेगुलर एजेस, बेस लुक लाइक अ रॉ फ्लैश। ठीक है, तो उसमें हम सोच सकते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। स्प्लिंटर लाइक पेन होता है, हमें पेन इसका याद रखना है नाइट्रिक एसिड का। एक्स्यूब्रेंट ग्रैनुलेशन, दैट मीन्स इट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग। एक्स्यूब्रेंट ग्रैनुलेशन मतलब कि जो ग्रैनुलेशन टिश्यू है उनका ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ वुंड हीलिंग। जैसे कि किलॉइड होता है, वैसे ही ये एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है वुंड हीलिंग का। ब्लैक पोर्स ऑन द बेस, कोमेडोन्स एंड फ्रिकेंस। कोमेडोन्स क्या होते हैं? वाइट हेड एंड ब्लैक हेड जो लोगों के फेस पर हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं। एंड फ्रिकल्स जो कि इस तरीके से ब्राउन से स्पॉट होते हैं, जो कि मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया है, आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रिकल्स। आफ्टर दैट पेप्यूल्स विच आर वर्स ऑन द फोरहेड। व्हाट इज द पेप्यूल्स? पेप्यूल्स इज द टेंडर बम्प ऑन द स्किन्स। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे मोडालिटीज ऑफ अ नाइट्रिक एसिड। दीज आर जनरल मोडालिटीज, वर्स इन इवनिंग, नाइट, कोल्ड क्लाइमेट एंड ऑल्सो हॉट वेदर। After that, better in riding in a carriage. This is the reverse of cocculus. After that, relationship is a complementary with the arsenic, lecanium and the sepia. Inimical to the lachesis. So always remember the inimical of any medicine. The nitric acid is inimical to the lachesis. So guys, this is all about today's video and I hope कि आपको मेरा छोटा सा जो मैंने एक ट्राई किया है वो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड, जिससे कि और बहुत सारे लोग होम्योपैथी के बारे में जान सकें। मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको बहुत ही इंट्रैक्टिव वे में मेडिसिन को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। सो गाइस, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।